आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 17। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों किसी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा।